भारत तक अब नए अंदाज में। अमेरिकी वायुसेना ने एक कार्गो विमान से क्रूज मिसाइल को लॉन्च करके लक्ष्य को बर्बाद कर दिया है, लेकिन ये परीक्षण आम परीक्षणों से बहुत अलग है। ये परीक्षण एक रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम के तहत मैक्सिको की खाड़ी में किया गया। इसमें क्रूज मिसाइल को किसी फाइटर जेट या फिर किसी जहाज से नहीं बल्कि एक कार्गो विमान से लॉन्च किया गया, वो भी उसके पिछले दरवाजे से। जी हाँ, रैपिड ड्रैगन का फाइनल फ्लाइट टेस्ट फ्लोरिडा के एग्लिन एयरफोर्स बेस पर ओवर वाटर टेस्ट रेंज में हुआ। रैपिड ड्रैगन ने पिछले 5 महीनों में 3 अलग-अलग विमानों MC-130J, EC-130SJ और C-17A पर 5 उड़ान कर चुका है। एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लानिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफिस ने बताया कि इस परीक्षण के दौरान कार्गो विमान के अंदर रखी मिसाइल बॉक्स को नीचे गिराया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने प्लेटाइज्ड म्यूनिशन सिस्टम को विकसित करके इसका सफल परीक्षण भी किया। एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी ने कहा कि इस कार्यक्रम से अमेरिका और सहयोगी देश मालवाहक विमानों को भारी हथियारों से लैस बम ट्रकों में बदलने में सक्षम हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने बताया कि ऐसे परीक्षण सैनिक कमांडरों को सुरक्षित दूरी से दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए अधिक मारक क्षमता प्रदान कर सकते हैं। पिछले महीने अमेरिकी वायुसेना ने एक ऐसे ही बिना वॉरहेड वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल स्पेरेशन टेस्ट व्हीकल का सफल परीक्षण किया था। इस मिसाइल में कोई वॉरहेड या इंजन नहीं लगा हुआ था। टेस्ट के दौरान मिसाइल सफलतापूर्वक अपने बॉक्स से बाहर निकला और टारगेट को उसने बर्बाद कर दिया। AFRL ने कहा है कि इस बार एयरफोर्स स्पेशल ऑपरेशन कमांड ने MC-130J कमांडो 2 विमान से वॉरहेड से लैस मिसाइल को टेस्ट किया है। MC-130 पर लगे युद्ध प्रबंधन प्रणाली यानी कि बैटल मैनेजमेंट सिस्टम को उड़ान में नया टारगेटिंग डेटा मिला है। इसके बाद इस डेटा को क्रूज मिसाइल उड़ान परीक्षण वाहन में भेज दिया गया। आपको बता दें कि जब यह परीक्षण हुआ तब MC-130 को मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर ड्रॉप जोन में पहुंचाया गया और वहां से विमान के क्रू ने एक प्लेटाइज्ड म्यूनिशन सिस्टम और क्रूज मिसाइलों के द्रव्यमान और आकार के 3 डमी बॉक्स को नीचे गिरा दिया। सिर्फ पैलेटाइज म्यूनिशन सिस्टम में ही एक क्रूज मिसाइल लगी हुई थी। गिरने वाले रैपिड ड्रैगन सिस्टम को स्थिर करने के लिए एक पैराशूट को भी इसमें अटैच किया गया था। लॉन्चिंग के कुछ सेकंड बाद ही डमी बेट बाहर निकले, जिसके बाद मिसाइल भी हवा में उछली और अपनी ताकत से लक्ष्य की ओर बढ़ गई। जी हाँ, ये लक्ष्य एक पानी के अंदर था और उसको तबाह करने के लिए मिसाइल आगे बढ़ चली। एयरफोर्स ने बाद में कंफर्म किया कि विमान से गिरने के बाद मिसाइल के इंजन ने अपना काम शुरू किया और उसे पूरी स्पीड से लक्ष्य की ओर लेकर गया। मिसाइल में लगे वॉरहेड ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को बर्बाद कर लिया। सीधे और साधारण शब्दों में हम ऐसे आपको समझा सकते हैं कि एक कार्गो विमान से एक बड़े से बॉक्स को ड्रॉप किया जाता है जिसमें कि पहले से क्रूज मिसाइलें होती हैं, और उसके बाद जब ये ड्रॉप होता है तो पैराशूट जब उसका खुल जाता है तो उसकी जो गति है वो धीमी हो जाती है और तब वहां से क्रूज मिसाइल को सेना लॉन्च करती है।